हेलो, स्टार्ट करें। चलो जल्दी जल्दी खत्म कर ले। सिलेबस में आवाज आ रही है? आवाज चेक करो, साउंड चेक करो। साउंड चेक करो बेटे। हेलो, वॉइस आ रही है प्रॉपर? यस सर, आ रही है आवाज। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज पढ़ेंगे बायो पटना, ठीक है ना? व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर? बायो फर्टिलाइजर जैसे फर्टिलाइजर होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायो फर्टिलाइजर एंड फर्टिलाइजर? व्हाट इज फर्टिलाइजर, देन इट विल बी इजी टू डिस्कस, है ना? फिर इजी हो जाएगा डिस्कस करना। तो व्हाट इज फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर क्या होता है? क्या नंबर है? क्या चल रहा है? तो व्हाट इज फर्टिलाइजर एंड व्हाट इज बायो फर्टिलाइजर, ये एक इशू है। एंड इन योर सिलेबस बेसिकली यू हैव टू नो द बायो पेस्टिसाइड, यू हैव टू स्टडी अबाउट द बायो पेस्टिसाइड। सो बायो फर्टिलाइजर तो पढ़ चुके हैं, ठीक है, बट पेस्टिसाइड के बारे में पढ़ना है। तो व्हाट इज पेस्टिसाइड एंड व्हाट इज बायो पेस्टिसाइड? नो आइडिया? So pesticide are substance, pesticide is, there are, these are the chemical. What is pesticide? Pesticide are substance that mean to control, hai na? Control any pest, okay, including weeds. Some pesticides include all of the following, for example, herbicide. Herbicide, insecticide, 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 nematicide, nematicide. So these are the various chemicals, na? Fungicide, antimicrobial, fungicide. So all these are the part of this, na? So what are the four type of pesticide? So pesticide matlab insecticide agar kehte hain, so they are killing insect. Theek hai? Herbicide bolte hain to
First one is insecticide. Second one is herbicide. Herbicide means plants. They control plants. Okay. They control plants. First one, control insects. And rodenticide एक होता है चूहे मारने की दवा rodenticides. तो rodenticide kills rats and mice. Kills rats and mice. Bactericide bactericide बोलते हैं एक्चुअली इसको bactericide बैक्टीरिया किल करता है. कितना हो गया, थर्ड हो गया, फर्स्ट इंसेक्टिसाइड, सेकंड हर्बिसाइड है ना, थर्ड रोडेंटिसाइड, चौथा हो गया बैक्टीरिसाइड दैट किल बैक्टीरिया, चार पांचवा हो गया फंगिसाइड, फिफ्थ वन इज फंगिसाइड दैट किल फंगस. ओके एंड लार्विसाइड, लार्विसाइड दैट कंट्रोल लार्वा. ठीक है, व्हाट इज पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड दैट कंट्रोल वेरियस पेस्ट एंड डिजीज है ना. और जब हम पेस्टिसाइड की बात करते हैं तो दे कंट्रोल वेरियस पेस्ट एंड डिजीज. ठीक, दे कंट्रोल वेरियस पेस्ट एंड डिजीज. तो पेस्ट में बहुत सारा है, जैसे मॉस्किटो, रैट, माइस, सब कुछ हो गया है ना. मॉस्किटो टेक्स rats, mice. Pesticide are used in agriculture to control weed. Pesticide used to control weed. ठीक है ना, sorry, हाँ weedicides को बोलते हैं. तो ये भी एक तरह का pesticide ही है जो कि control करते हैं weeds को. ठीक है, तो pesticide ज्यादातर क्या होते हैं, these are the chemicals. तो pesticide is a chemical. What is a pesticide? Pesticide is a form of chemical. ठीक है, तो ये clear हो गया. Pesticide is a chemical that kills any insect, pest, or can be used against any disease. ठीक है ना. तो problem क्या है इसमें? The basic problem of pesticide are they are very toxic to human. वेरी टॉक्सिक टू ह्यूमन, बहुत टॉक्सिक होता है ह्यूमन के लिए. ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है. दैट्स व्हाई ह्यूमन नीड अल्टरनेटिव पेस्टिसाइड. व्हाट इज द अल्टरनेटिव या सेफ पेस्टिसाइड, सेफ अल्टरनेटिव पेस्टिसाइड. These are called as the biopesticide. Biopesticide, ठीक है. So that's why we will you study the biopesticide, because chemical pesticide जो होते हैं they are very harmful. ठीक है ना, तो chemical pesticide very very harmful chemical substance. Now we will study about the biopesticide. What is biopesticide? Prepared from biological material. Prepared from biological material. Biological material. ठीक है,
you know any biological material that can be used for this as a biopesticide? बताए आपको? No one knows. हेलो, सो बायोपेस्टिसाइड की जब बात कर रहे हैं तो दिस इज अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल, है ना? तो पेस्ट कंट्रोल बाय बायोलॉजिकल मीन्स, बायोलॉजिकल वे ऑफ, बायोलॉजिकल वे ऑफ कंट्रोलिंग, बायोलॉजिकल वे ऑफ controlling insect and pest. बोर्ड दिख रहा है ना अच्छे से? ठीक है. Yes. So this term defined as a form of pesticide based on microbes or natural products. So what is biological way? So when these pesticide are produced from produced by using microbes or any natural product. ठीक है. So microbes that control pests and pesticides substance produced by plant contain added genetic material. So sometimes they are produced by the microbes, sometimes by the natural products are plants. जैसे प्लांट्स से कैसे प्रोड्यूस होगा, जैसे नीम लीव, नीम ऑयल, है ना? ये हो गया आपका नेचुरल पेस्टिसाइड. ठीक है. तो समटाइम व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एडिंग जीन्स, टॉक्सिक जीन्स. एक तरह का बायोलॉजिकल पेस्ट हो गया कि प्रोड्यूस फ्रॉम माइक्रोब्स, दूसरा हो गया प्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट्स, तीसरा हो गया पीआईपी. पीआईपी का मतलब हो गया व्हेन यू आर इंसर्टिंग टॉक्सिक जीन इनटू प्लांट्स. तो जब प्लांट्स में आप इंसर्ट करते हो टॉक्सिक जीन को, तो वो खुद ही बनाने लगते हैं ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट्स को. So this is called as the PIP, plant incorporated protectants. क्या नाम है इनका? Plant PIP का फुल फॉर्म क्या है? Plant incorporated protectants. ठीक है. प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स, पीआईपीस. सो दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स. तो क्या क्या है जिससे मिलता है, लिस्ट बनाओ. माइक्रोब्स मिलता है, राइट? दूसरा मिला प्लांट्स मिला, तीसरा कुछ फंजाई भी बहुत टॉक्सिक होते हैं जैसे ट्राइकोडर्मा. They are toxic for the insect and pest, but they are not toxic for the human being. ठीक है ना? So they can be obtained from microbes, plant, fungi, and sometimes by the nematodes. ठीक है ना? तो total ये जो मिला के इसको क्या कहते हैं? This is a part of IPM. What is the full form of IPM? इंटीग्रेटेड. बाकी ग्रुप में मैसेज डाल दो, क्लास स्टार्ट हो गई है, तो फॉरगेट, दे कैन ज्वाइन. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है ना? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट. तो अब सवाल उठता है माइक्रोबियल पेस्टिसाइड क्या होता है. बायोपेस्टिसाइड को यू कैन डिवाइड इनटू द थ्री क्लास. ठीक है ना? ये देख सकते हो, एक तो माइक्रोबियल पेस्टिसाइड, ठीक है,
and the active ingredient is bacterium, fungus, virus or sometimes protozoa. So mostly they are bacterial pesticide, a microbial pesticide produced from using this strain called as the bacillus. What is the name? That is called as the bacillus. Yaad rakh lena, test hoga fir parson. ठीक है, अभी इस बार के टेस्ट में कोई पास ही नहीं हुआ था, इस बार देखता हूँ क्या करते हैं लोग। ठीक है, तो बायोकेमिकल पेस्टिसाइड, बायोकेमिकल पेस्टिसाइड नेचुरली अग्रिंग सब्सटेंसेस, ठीक है ना। तो दिस पेस्टिसाइड आल्सो कॉल्ड द हर्बल पेस्टिसाइड, यानी प्लांट से मिल रहे हैं। किससे मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है। तो ये प्लांट से मिल रहा है, दे आर द देयर सेंट, देयर स्मेल है ना, देयर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आर गोइंग टू किल पेस्ट एंड इंसेक्ट्स, ठीक है ना। तो बायो ड्राइव केमिकल माइक्रोबियल पेस्टिसाइड, जैसे ये हो गया बैसिलस थुरिंजियेंसिस, बायोकेमिकल पेस्टिसाइड क्या क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी दे दें आपको, पायरेथ्रम जैसे हो गया, पायरेथ्रम पायरेथ्रम रोटिनोन रोटिनोन दूसरा हो गया रोटिनोन, थर्ड नीम आयल, नीम आयल, ठीक है, एंड फोर्थ इज द एसेंशियल एसेंशियल आयर, ठीक है। तो समटाइम यू कैन सी नेचुरल सब्सटेंस में एक और भी केमिकल आता है, दैट इज कॉल्ड एज द फेरोमोन्स, फेरोमोन्स कितने हो गए, सेंट्रल एक्सट्रैक्ट में पायरेथ्रम, मॉस्किटो से मॉस्किटो रेपेलेंट है जानते ही, रोटिनोन, नीम आयल, ठीक है, एसेंशियल आयल एंड फेरोमोन्स। सो व्हाट इज द पीआईपी, पीआईपी क्या होता है, प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स है ना, हाँ प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स। जो प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्टेंट्स होते हैं, दीज आर द जीन्स एक्चुअली में, व्हाट आर दे, दे आर बेसिकली द जीन्स, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल का क्या फायदा है कि आपको बार बार ना ये नीम आयल नहीं एक्सट्रैक्ट करना है, एसेंशियल आयल नहीं एक्सट्रैक्ट करना है, मेहनत कम है, काम ज्यादा, जीन निकाल लिए, ठीक है, एंड डायरेक्टली यू कैन इनकॉर्पोरेट इन टू द क्रॉप्स। तो दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड एज GM crops. So these crops are called as GM crops. So incorporate this gene into the plants. So these plants are called as a GM crops. ठीक है। Sometime आजकल क्या कर रहे हैं कि RNAi भी use कर रहे हैं। RNA जानते हो, RNA inhibitor, इसको कहते हैं RNAi, ये भी एक तरह का पेस्टिसाइड है, ठीक है ना। तो इतना चीज मतलब जीन डायरेक्टली निकाल के प्लांट्स में डाल के एंड दे आर प्रोड्यूसिंग व्हाट, GM crops। व्हाट इज GM crops, जेनेटिकली मॉडी फाइड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा और पढ़ लें, इसमें जैसे जीन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बीटी टॉक्सिन यहां लिखा हुआ है, देखो लिखा है प्लांट प्रोड्यूसिंग बीटी टॉक्सिन। तो ये जो बीटी टॉक्सिन है वो कहां से आता है, वो यहां से आता है, बैसिलस से, बैसिलस का टॉक्सिक जीन निकाल लिया,
and that gene is incorporated into the plant permanently. That's why this is called as the अब जो बीटी वर्ड लगा देंगे और जो क्रॉप्स होगी जैसे कॉटन है तो बीटी कॉटन, ब्रिंजल में अगर ये जीन डाला तो क्या नाम हो जाएगा उसका, बीटी ब्रिंजल, हाँ बीटी ब्रिंजल, ठीक है ना। ऐसे करके इनका नाम हम प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है। तो अब ट्राइकोडर्मा वगैरह जो होता है देखो ये मार्केट में मिलता है इस नाम से, डाइपेल डियर बैसिलस फ्रेंजेंसिस का पाउडर है ना। तो ये भी स्प्रे कर सकते हो एज ए सस्पेंशन, ठीक है ना। तो ये टारगेट किसको करते हैं, लूपर्स, लीफ ईटिंग कैटरपिलर्स, फ्रूट बोरर्स एंड अदर लेपिडोप्टेरस पेस्ट। क्रॉप्स कौन कौन सी यूज कर सकते हो, वेजिटेबल, फॉरेस्ट क्रॉप्स, एरोमेटिक क्रॉप्स, ऑर्नामेंटल, है ना। इनके अगेंस्ट में आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड निमेटोड्स को कौन किल करता है, निमेटोड्स को कौन किल करता है, ट्राइकोडर्मा वगैरह कंट्रोल करते हैं, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सबटिलिस, ठीक है। एंड देन ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, चलो। बहुत सारे फिनोलिक कंपोनेंट्स भी होते हैं, उनको भी यूज करते हैं, प्लांट फिनोलिक्स, एल्कलोइड्स, है ना, टारपेनोइड्स, फिनोलिक्स, दे आल्सो कैन बी, दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट। इनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेटा बुलाइट, ठीक है। तो ये भी जो है पेस्टिसाइड के रूप में यूज होते हैं। और कैनोला ऑयल का नाम सुना है, कैनोला ऑयल, इसमें भी होती है पेस्टिसाइड की प्रॉपर्टी। दिस ऑयल, कैनोला ऑयल आल्सो है प्रॉपर्टी ऑफ पेस्टिसाइड, बायो पेस्टिसाइड। ठीक है ना। तो आपको कौन कौन से तीन पढ़ा दिए, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड में सीधे सीधे बैक्टीरियम का पाउडर यूज कर सकते हो, फंगस का पाउडर यूज कर सकते हो ना, वायरस, प्रोटोजोन्स, ये सारे स्ट्रेन बैक्टीरिया डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ये माइक्रोबियल बेस हो गए पेस्टिसाइड, याद कर लो अच्छे से। पहला पेस्टिसाइड कौन सा हो गया, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड। सेकेंड वाला हो गया बायोकेमिकल पेस्टिसाइड या हर्बल पेस्टिसाइड, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, है ना, नेचुरल जो सब्सटेंस है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट इसी में आएंगे, ठीक है, जैसे पायरेथ्रम हो गया, रोटिनिन हो गया, नीम ऑयल हो गया, एसेंशियल ऑयल हो गया, फेरामेंट हो गए, आपके फिनोलिक्स हो गया, अल्कलाइड्स हो गया, टारपेनॉइड्स हो गया, ये सारे जो है आपके सेकेंड कैटेगरी में आएंगे, सेंट्रेट प्लांट एक्सट्रैक्ट। थर्ड वन इज द पीआईपी, प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोडक्टर्स, पीआईपी। इसमें क्या करते हैं कि सीधे सीधे जीन निकाल लेंगे, है ना, यू विल आइसोलेट द बैक्टीरियल जीन directly and then you'll incorporate into the plants, you'll prepare the GM crop, that is genetically modified crops, and there you can these plant if grown in the field automatically they are producing the toxins, ठीक है। तो these are the microbial pesticide, micro pesticide में आ गया, micro pesticide include various type, ऐसा नहीं है कि इसमें वैरायटी नहीं है, वैरायटी है, इंसेक्टिसाइड भी है, फंगिसाइड, हर्बिसाइड, है ना, ग्रोथ रेगुलेटर, ऑल दीज आर ऑब्टेंड फ्रॉम माइक्रोबियल ओरिजिन। दे आर टॉक्सिक फॉर द इंसेक्ट पेस्ट बट दे आर नॉट टॉक्सिक फॉर द ह्यूमन,
उनको सेम तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे, इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स, ठीक है, एंड दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द माइक्रोवेव ओवन, ठीक. सो व्हेन बैसिलस थुरिंजियेंसिस वाज डिस्कवर्ड, दिस वाज डिस्कवर्ड इन जापान इन 20th सेंचुरी एंड फर्स्ट बिकम ए कॉमर्शियल प्रोडक्ट इन फ्रांस इन 1938, ठीक है. तो 1938 में कमर्शियलाइज हो गया इसका, इतना पुराना है. और आज भी इंडिया में देखो फार्मर्स क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, केमिकल स्प्रे करते हैं. तो दे कंट्रोल लेप्टोस्पोरस पेस्ट लाइक अमेरिकन बॉलवर्म इन कॉटन एंड स्टेम बोरर इन राइस, ठीक है. स्टेम बोरर को भी कंट्रोल करते हैं और अमेरिकन बॉलवर्म को भी कंट्रोल करते हैं. दे कंट्रोल ऑलमोस्ट लेपिडोप्टेरस, लेपिडोप्टेरा के जितने भी इंसेक्ट हैं उन सबको किल कर लेते हैं, ठीक है ना. तो व्हेन इंजेस्टेड बाय पेस्ट लार्वा द वीटी रिलीजेस टॉक्सिन व्हिच डैमेज द मिटगट ऑफ पेस्ट इवेंचुअली किलिंग इट. कैसे किल करते हैं ये एक्चुअली में लार्वा इसको खाते हैं जब पाउडर है, जैसे मान लो आपने ये प्लांट्स की लीव है ना, ये प्लांट्स की लीव है, आपने क्या किया स्प्रे कर दिया, ठीक है ना, ये आपने स्प्रे कर दिया. अब इस पे आ गए इंसेक्ट, लार्वा आ गए, सॉरी इंसेक्ट के लार्वा आ गए, है ना. तो ये लार्वा इसको पाउडर को खाएंगे, जब भी खाएंगे तो क्या होगा कि दे आर इंजेस्टिंग नॉट वीटी पाउडर रादर देन दे आर इंजेस्टिंग द टॉक्सिन. तो इनकी बॉडी में क्या है, क्या टॉक्सिन चला गया. तो इनके अंदर जो टॉक्सिन है जाने के बाद टॉक्सिन डैमेज मिड गट ऑफ द पेस्ट, ठीक है. तो मिड गट ऑफ द पेस्ट करते हैं, फाइनली इसको किल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये टॉक्सिन मिड गट को डिजॉल्व कर देगा पूरा. तो इंसेक्ट को इस तरीके से इसने किल कर दिया. तो एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं आपको, है ना, कि राइट स्टार्ट नोट ऑन बैसिलस थुरिंजियेंसिस, पहले तो स्पेलिंग याद रखना, है ना, थुरिंजियेंसिस. फिर ये याद रखना कि किसको किसको ये किल करते हैं, ऑलमोस्ट लेपिडोप्टेरस पेस्ट को सबको किल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन बॉलवर्म इन कॉटन, स्टेम बोरर. स्टेम बोरर तो बहुत ही खतरनाक होता है ना, छेद कर देता है स्टेम में. तो अब ये स्प्रे अगर कर दोगे तो डायरेक्टली ये लार्वा क्या करते हैं, इसको फीड करते हैं. जब फीड करेंगे तो ये टॉक्सिन को फीड करते हैं, तो ये क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं मिडगट को, डिजॉल्व कर देते हैं. उनका पीएच मिडगट का जो होता है उस पीएच पे ये सॉल्युबल हो जाते हैं एंड इजिली दे कैन किल द इंसेक्ट, ठीक है. तो ये एक फायदा है इसका. तो ये इसका डायग्रामेटिक एक्शन है. तो मान लो ये प्लांट्स है, सपोज दिस इज द प्लांट. अब ये आ गया आपका इंसेक्ट, है ना, और आपने इस पे स्प्रे किया हुआ है. तो स्प्रे किया है तो क्या होगा, टॉक्सिन आर एक्टिवेटेड टू एक्टिव फॉर्म बाय द गट एंजाइम. गट में जो एंजाइम होंगे पीएच होगा, उस टॉक्सिन को एक्टिव कर देगा. अब जब एक्टिव कर देगा तो ये क्या करता है, छेद कर देता है उनके इंटेस्टाइन में. देखो एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द रिसेप्टर एंड सब्सिक्वेंटली इंसर्ट इन टू मेम्ब्रेन एंड कॉजेस लीकेज ऑफ आयन्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक. तो मिडगट मेम्ब्रेन डैमेज लीड्स टू स्टार्वेशन और सेप्टिसेमिया. तो ये पूरा इनको डिजॉल्व कर दिया, इनके पेट को, इनके इंटेस्टाइन को. तो उससे क्या हुआ कि दीज इंसेक्ट आर गोइंग टू बी किल्ड ऑटोमेटिकली, ठीक ना, दीज आर गोइंग टू बी किल्ड ऑटोमेटिकली. ये क्लियर हो गया कि इसको दोबारा समझाओ, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हेलो, यस सर, ठीक है. ये लोग इनकी किलिंग, ये किलिंग का मैकेनिज्म एग्जाम में पूछ सकता, ध्यान देना, ठीक है ना, कि हाउ दिस टॉक्सिन आर गोइंग टू किल द लेपिडोप्टेरियन इंसेक्ट्स. सो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल पेस्टिसाइड, आइसोलेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ माइक्रोब्स, उनको फिर लार्ज स्केल फर्मेंटेशन करा देते हैं, है ना. एक बैक्टीरिया को ग्रो करा दिया लार्ज स्केल फर्मेंटेशन में,
ठीक है, लार्ज स्केल फर्मेंटेशन में देन क्या होगा, ये ग्रो करेंगे इन एब्सेंस ऑफ आर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दिस वेसल इज कॉल्ड एज द फर्मेंटर. ठीक है, तो प्रोसेस इज कॉल्ड एज द वेसल का नाम क्या है, फर्मेंटर. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फर्मेंटेशन. तो अब ये फर्मेंटेशन में ढेर सारा बन गया, इनको सुखा लो या तो लिक्विड के रूप में यूज कर लो या तो इनको ड्राई करके स्प्रे के रूप में यूज कर लो. बस इतना ही कर रहा था, ठीक है ना, इतना ही कर रहा है, इजी है. एंड व्हाट इज अ पीआईपी, पीआईपी मींस प्लांट में ही हमने बीटी जीन को डाल दिया है. ठीक है, तो बीटी जीन इज इंसर्टेड इनटू क्रॉप, राइट. क्या कर रहे हैं, बीटी जीन इज इंसर्टेड इनटू क्रॉप. तो ये इंसर्ट कर लिया, इंसर्ट करने के बाद व्हाट विल हैपन, अब ये इंसर्ट कर लिया यहाँ पे, पेस्ट डाई हो गया, ये इंसर्ट कर लिया. तो जब भी इंसेक्ट इस पौधे की लीफ को खाएगा, है ना, पौधा क्या किया गया था, लीफ खाने, तो अब ये देखो खाने गया है, क्रॉप इज इन्फेक्टेड बाय यूरोपियन कॉर्न बोरर. अब क्या होगा, द पेस्ट विल डाई ऑटोमेटिकली, ये देखो, है ना, खाते ही इसकी हो गई डेथ, ये मर गया है. ये कैसे मर गया, बिकॉज ऑटोमेटिकली दिस प्लांट्स, कंप्लीट प्लांट्स इज प्रोड्यूसिंग बीटी टॉक्सिन. बीटी टॉक्सिन हर जगह है, कहीं भी इंसेक्ट जाएगा तो ऑटोमेटिक स्प्रे नहीं करना आपको बाहर से. तो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज जीएम क्रॉप्स. इनका क्या नाम है, जीएम क्रॉप्स. जीएम क्रॉप्स मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, प्लांट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कह रहे हैं, क्योंकि जीन से मॉडिफाई किया गया है कंप्लीट, है ना, जीन डाल के इनको कंप्लीटली मॉडिफाई किया. तो अब ये पहले जीन डाला था, प्रोडक्ट बनेगा, है ना, ये प्रोडक्ट का नाम होगा, उसको क्या कहेंगे, बीटी टॉक्सिन. तो यहाँ पे डाला क्या था, बीटी जीन. ठीक है, तो बीटी जीन प्लांट के साथ क्या प्रोड्यूस करेगा, बीटी टॉक्सिन. ठीक है ना, जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा वैसे इतना ज्यादा बीटी टॉक्सिन बनेगा. अब इसका फायदा ये है कि पेस्ट डाइज ऑटोमेटिकली व्हेन देयर दीज पेस्ट आर ईटिंग लीव्स. तो ये आपको पूरा डिटेल में पूछ सकता है 10 मार्क्स के भी या 5 मार्क्स के भी. ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. Any question? No question? चल. तो what is the disadvantage of these BT cotton या PIP? एक तो ये slow effect है ना, often guarantee नहीं है कि all the insect will kill. All the इंसेक्ट विल बी किल्ड ऑन ऑल, ये गारंटी नहीं है. हाईली सेलेक्टिव स्टोरेज डिफिकल्ट फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन. लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी नहीं करा सकते क्योंकि डायरेक्टली आप डाल रहे हो. ठीक है, तो आजकल आप कुछ डिजीज हैं जैसे क्राउन गार्ड डिजीज पीचेज में हो जाती है, ग्रेप में हो जाती है, रोज में हो जाती है ना, बिकॉज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस. एक
क्राउन गॉल बन जाता है, ट्यूमर की तरह बन जाता है। तो इसको मारने के लिए एग्रोबैक्टीरियम रेडियो बैक्टर से ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेन यूज करते हैं टू कंट्रोल व्हाट एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस, क्योंकि ट्यूमिफेसेंस जहां रहेगा वहां पे स्टेम में इतना बड़ा ट्यूमर टाइप बन जाएगा, है ना, ये खराब कर देता है प्लांट्स को। तो रेडियो बैक्टर का पाउडर लेके या उनके माइक्रोब्स को रूट में डाल देते हैं। कहां पर डालेंगे, ये रूट में डाल देंगे, क्या डाल देंगे, ए रेडियो बैक्टर, रेडियो बैक्टर डाल देंगे, ठीक है ना। दे आर गोइंग टू कॉलोनाइज होस्ट रूट, दे आर गोइंग टू कॉलोनाइज होस्ट रूट एंड दे प्रोड्यूस एन एंटीबायोटिक एग्रोसिन, क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग्रोसिन, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक एग्रोसिन। तो कुछ बैक्टीरिया और हैं जैसे स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, इनको भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो दे आर दीज आर स्यूडोमोनास एंड दीज बैक्टीरिया आर यूज्ड टू कंट्रोल डैम्पिंग ऑफ कॉज्ड बाय पाइथियम, पाइथियम राइजोक्टोनिया सोलनाई और सम अदर स्पीसीज ऑफ फंगस, ठीक है ना। तो उनको कंट्रोल करने के लिए आप स्यूडोमोनास यूज कर, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा इज ऑल्सो ए फंगिसाइड इफेक्टिव अगेंस्ट सॉयल बॉर्न डिजीज सच एज रूट रॉट, है ना। तो दिस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट नेक्टिया गैलिजन दैट कॉजेस सिल्वर लीफ डिजीज ऑफ फ्रूट ट्री बाय एंटरिंग थ्रू प्रूनिंग वॉर्म्स, दीज आर द स्पोर ऑफ ट्राइकोडर्मा। इनका देखो कि ट्राइकोडर्मा की स्पोर ऐसे ऐसे होती है, ऐसे ऐसे, ये देखो सर्किल, इसको जूम करके दिखा सकता हूँ आपको, है ना, छोटे छोटे स्पॉट नजर आ रहे, लंबी सी लाइन, छोटे छोटे स्पॉट्स, दीज आर द स्पोर्स, स्पोर्स ऑफ ट्राइकोडर्मा। इनका पाउडर भी बना सकते हैं, इनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके, ठीक है ना। एंड देन थर्ड वन इज द पीआईपी, प्लांट इनकॉर्पोरेटेड प्रोडक्टेंट। तो दीज आर द पेस्टिसाइड सब्सटेंस दैट प्लांट प्रोड्यूसेस फ्रॉम द जेंटिंग मटेरियल, जैसे मैंने बताया बीटी कॉटन को डायरेक्टली आप डाल सकते हो प्लांट्स में, प्रोड्यूस द जीएम प्लांट्स, और जैसे पेस्ट फीड करेंगे दे विल डाई। व्हाट इज द बॉटनिकल पेस्टिसाइड, बॉटनिकल पेस्टिसाइड व्हाट इज दिस, तो इसमें क्या करते हैं, दीज आर द नॉर्मल अकरिंग प्लांट मटेरियल दैट मेक क्रूड प्रिपरेशन ऑफ प्लांट पार्ट ग्राउंड प्रोड्यूस डस्ट और पाउडर दैट कैन बी यूज्ड इन फुल स्ट्रेंथ और डाइल्यूट फॉर्म इन कैरियर सच एज क्ले टाइल और डायटोनियस अर्थ, है ना। जैसे नीम, नीम की पत्ती ले लिया, है ना, नीम का कोई भी पार्ट ले लिया, सीड ले लिया, ऑयल ले लिया, तो किसी भी प्लांट का अगर पूरा पार्ट यूज कर रहे हो तो देन दिस इज कॉल्ड एज द बॉटनिकल पेस्टिसाइड, दिस इज कॉल्ड एज बॉटनिकल। व्हाट इज बॉटनिकल पेस्टिसाइड, दीज आर द क्रूड प्लांट मटेरियल, है ना। फॉर एग्जाम्पल नीम इज अ डेसर्टिन इफेक्ट द रिप्रोडक्टिव एंड डाइजेस्टिव प्रोसेस ऑफ पेस्ट, सेल प्लांट बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स सच एज निकोटिनोइड्स, नेचुरल पायरेथ्रिन्स, रेटिनोइड्स एंड नीम प्रोडक्ट्स, ये नीम प्रोडक्ट जितने भी हैं दीज आर काइंड ऑफ बॉटनिकल पेस्टिसाइड। नेचुरल पायरेथ्रिन भी उसी में आता है, रोटिनोइड्स भी इसी में आता है, ठीक है, दीज आर द नेचुरल पेस्टिसाइड। ये जैसे नीम ऑयल है ना, बता ही रहा था, नीम ऑयल हो गया, रोटिनिन हो गया, टोबैको सस्पेंशन हो गया, तो ये सब मिलता भी है मार्केट में एंड यू कैन यूज इट। व्हाट इज द बायोकेमिकल पेस्टिसाइड, दीज आर द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, जो कि हम बात कर रहे थे, दे मे बी द इंसेक्ट्स फेरोमोन, है ना, जो कि ऐसे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे एक जगह, तो इंटरफेयर विद द मीटिंग दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट पेस्ट अट्रैक्ट, ये ऐसे सेक्स फेरोमोन्स है जो कि उनको अट्रैक्ट करते हैं और उनको मेटिंग नहीं करने देते, तो इनसे उनकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ती। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वेबल फेरामेंट ट्रैक, इसको बोलते हैं फेरामेंट ट्रैक, सारे इंसेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, वो
पौधे को नहीं किल कर पाएंगे, जो पौधे को किल करने जा रहे थे वो यहाँ आ जाएंगे फिर अभी। तो दे आर सिंथेटिक अट्रैक्टेंट ऑल्सो एंड दे कैन बी यूज एज अ ट्रैप टू मॉनिटर द पेस्ट पॉपुलेशन।